टाटा मोटर्स ने ऑटो सेक्टर में खलबली मचाने के लिए लॉन्च कर दी है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली अपनी तीन दमदार गाड़ियां, जिन्हें भारत में उतार दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पंच ICNG, टियागो ICNG और टिगोर ICNG की। ये ऐसी गाड़ियां हैं जिनके पेट्रोल मॉडल पहले से ही लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। जाहिर है, टाटा की गाड़ियों के आने से मारुति और हुंडई की CNG वेरिएंट्स के लिए चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि माइक्रो SUV सेगमेंट में पंच ICNG ट्विन सिलेंडर तकनीक से लैस भारत की पहली सबसे सस्ती CNG कार होने वाली है। इसकी शुरुआती कीमत 7.10 लाख रुपए है और कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ी 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज देगी। इतना ही नहीं, पंच 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सबसे सस्ती CNG कार भी है। जाहिर है, अब आप पंच के पेट्रोल और CNG दोनों वर्जन की कीमतों में क्या अंतर आ गया है वो भी जानना चाहेंगे। तो आपको बता दें, पंच के प्योर वर्जन में CNG की कीमत 7.10 लाख है, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 6.0 लाख है। यानी इसमें अंतर आपको तकरीबन 1.1 लाख रुपए का मिलेगा। वहीं बात अगर आप पंच के एडवेंचर वेरिएंट की करें तो इसका CNG वेरिएंट 7.85 लाख रुपए का है, जबकि इसका पेट्रोल वेरिएंट 6.90 लाख का था, यानी डिफरेंस तकरीबन 95,000 रुपए का है। इसी तरह एडवेंचर रिदम की अगर बात करें तो इसके CNG वेरिएंट की कीमत 8.20 लाख रुपए है और पेट्रोल वाले की कीमत थी 7.25 लाख रुपए। इसमें भी अंतर आपको 95,000 रुपए का ही दिखेगा। वहीं अगर बात पंच अनकम्प्लिस्ट की करें तो इसके CNG वेरिएंट की कीमत 8.85 लाख रुपए रखी गई है और इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत थी 7.70 लाख रुपए, यानी इसमें अंतर है तकरीबन 1.15 लाख रुपए का। इसी तरह अनकम्प्लिस्ट डीजल SS की कीमत की अगर बात की जाए तो इसके CNG वेरिएंट की कीमत है 9.68 लाख रुपए और इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत थी 8.65 लाख रुपए, यानी इसमें भी तकरीबन 1.03 लाख रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह कंपनी की बाकी दोनों वेरिएंट यानी टियागो ICNG और टिगोर ICNG के दामों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इनकी कीमतों के अंतर को चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, टाटा मोटर्स ने तीनों कारों में गैस लीक डिटेक्शन करने का एक सेफ्टी फीचर ऐड किया है। कार में CNG लीकेज होने पर लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी गाड़ी को खुद ब खुद CNG से पेट्रोल मोड में शिफ्ट कर देती है। ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर को गैस लीक के बारे में अलर्ट भी करती है। इन गाड़ियों का प्लस पॉइंट ये है कि ट्विन सिलेंडर वाली कारों में दूसरी CNG कारों की तुलना में ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिलता है। पंच ICNG में 210 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ टियागो और टिगोर का बूट स्पेस भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि कंपनी ने अभी इसके बारे में जानकारी साझा नहीं की है। सिंगल सिलेंडर के साथ टियागो में 80 और टिगोर में 205 लीटर का बूट स्पेस मिल सकता है। अब बात ताकत की करते हैं, यानी इस बदलाव के बाद कार कितनी दमदार बन गई है। पंच में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 86 BHP की पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं CNG मोड पर यह इंजन 73.4 BHP की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा, जबकि कार के रेगुलेटर पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा कार में बाकी फीचर्स आपको पेट्रोल वाली पंच जैसे ही देखने को मिलेंगे। अब बात मुकाबले की। अभी इंडियन मार्केट में फैक्ट्री फिटेड CNG कार में मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स का दबदबा है, लेकिन अब टाटा की CNG कारें इनके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं। मारुति की एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनार, इको, ऑल्टो और अर्टिगा फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आती हैं। वहीं हुंडई की ग्रैंड आइटन, ऑरा और हाल में ही लॉन्च हुई एक्स्टर CNG ऑप्शन के साथ आती हैं। जाहिर है, टाटा की गाड़ियों की CNG वेरिएंट में एंट्री से ऑटो सेक्टर में तो खलबली मची ही है, साथ ही इन दोनों कंपनियों के लिए इनकी सिरदर्दी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन जोरों का होगा। बिजनेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बिजनेस प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।